नमस्कार, क्या आपके पास आपके घर में अभी चावल का आटा है? नहीं है, कोई बात नहीं, चावल तो होंगे जो रोज यूज करते हैं, तो उसी चावल को पानी में थोड़ी देर भिगो लें, फिर इसके बाद उसे फैन के नीचे सुखा करके उसे पीस लें, बस चावल का आटा तैयार हो गया। और बस हम एक कटोरी आटा चाहिए जिससे कि हम बनाएंगे आज की रेसिपी बहुत टेस्टी चटपटी। तो देर न करते हुए चलिए मेरे किचन में स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूँ सीमा और मेरे किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चलते हैं बनाते हैं चावल के आटे की छोटी छोटी मिनी इडली चटपटी से। सबसे पहले हम कढ़ाई में एक कटोरी पानी लेंगे और पानी गर्म हो गया तो उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और एक चम्मच घी। आप घी की जगह ऑयल या बटर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब बटर पिघल जाएगा, घी पिघल गया, तब हम एक कटोरी आटा ले रहे हैं और इसे थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। एक कटोरी चावल के आटे के लिए कटोरी पानी जो है सफिशियंट है, फिर भी आपको लगे कि थोड़ा सा टाइट सा हो रहा, साइड के आटे नहीं गूंथ पा रहे हैं, तो आप पानी की थोड़ी सी छींटे डाल सकते हैं इसमें। और इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे पहले, ताकि पूरी तरह से आटा जो है पानी में मिल जाए। उसके बाद ढक्कन से इसे ढक देंगे और गैस को एकदम धीमी कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 से 3 मिनट होने के बाद इस आटे को हम निकालेंगे किसी परात या खुले बर्तन में और हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लिए, गीला कर लिया और इसे मैश करेंगे। यहाँ पर जो कि आटा बहुत गर्म है, हाथ जलने लगता है और हम अगर छोड़ देंगे तो फिर वो टाइट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैं कटोरी से ही इसे अच्छी तरह मैश कर रही हूँ और जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब उसे हाथों से कर लेंगे। और अगर यहाँ पे लगे कि आटा में थोड़ा पानी जरूरत है तो पानी हल्का गर्म पानी की छींट डालेंगे और इसके बाद इसे हाथों में घी लगा करके जब आटा गूंथ जाए तो हाथों में घी लगा लेंगे और छोटी छोटी सी गोलियाँ बना लेंगे। तो अब यहाँ पे अगर अच्छे से आटा मैश होगा तो यहाँ गोलियाँ जो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगी और चिकनी सी बनेंगी। तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे गोलियाँ मैंने बना ली, आप गोली को देख लग रहा होगा कि यहाँ कितने सॉफ्ट से बने हुए हैं। तो इसी तरह हम सारी गोलियाँ बना लेंगे। उसके बाद हम एक पराती लेंगे जाली वाली और इसमें पूरी में हमने घी लगा दिया है। एक बड़ा पतीला ले लिए और उसके बाद, क्योंकि मेरे पास स्टीमर नहीं है इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ टेम्प्रोरी वाले, तो पानी के ऊपर हम छलनी को डाल देंगे और इसे ढक देंगे। ढकने के बाद इसे हम 8 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे। जब तक वो पक रहा हम उसकी चटनी तैयार कर लें। तो बहुत सा धनिया पत्ती ले लें, साथ में लेंगे एक टमाटर लिए हुए हैं इसमें, और साथ ही इसमें लेंगे हम यहाँ पे हरी मिर्च। हरी मिर्च अपने अकॉर्डिंग आप ज़्यादा या कम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ यहाँ कम से कम 6 से 7 लहसुन, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा इसमें लेंगे साबुत जीरा और इसके बाद जो है इसमें इसे बारीक से पीस लेंगे। तो ये हमारा ये तैयार हो गया पीस करके और ये चटनी देखिए हमारी अच्छी से तैयार हो गई। यहाँ पे एक लाल मिर्च डालने से बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है, ऊपर से डाल देंगे हम नींबू का रस। तो देखिए तब तक में हमारी ये गोलियाँ भी तैयार होगी, चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए सॉफ्ट सॉफ्ट सी गोलियाँ तैयार हो गई, आपको देखिए कितना स्पंजी बना हुआ है। अब हम ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन इसे टेस्टी बनाने के लिए हम तड़का लगाएंगे। तो पहले ऑयल डालेंगे, उसमें डालेंगे चने की दाल और साथ में डालेंगे यहाँ पे उड़द की दाल और ये दोनों पक जाए तो डालेंगे इसमें सरसों के दाने, थोड़ा सा डालेंगे 1 चम्मच जीरा, लाल मिर्च और इसके बाद इनको हल्का सा भूनेंगे और फिर उसी में डाल देंगे थोड़ा सा वाइट तेल। तेल डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद सबको मैं एकदम अभी ध्यान रखना, गैस अभी मेरा धीमी है और क्योंकि अदरवाइज तेल जो है जल जाएंगे। और इसमें डाल दे रहे हैं कटी हुई 2 हरी मिर्च, थोड़ी सी इसमें अदरक क्रश करके डाल दे रहे हैं और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हींग डाल दे रहे हैं। इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। बस धीमी आंच पे इसे हमें भूनना है और जब ये भून जाए अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट लगेंगे तो सारी गोलियों को हम इसी के अंदर डाल देंगे। और इसके बाद हमें अब गैस को थोड़ा सा हम तेज कर सकते हैं, मीडियम पे रखेंगे और ताकि इसे अच्छे से अब हम मिला लेंगे, ताकि जो हमारे ये तड़का जो हमने लगाया है सारी गोलियों में अच्छे से लग जाए। तो इसे हम धीरे करके हमें पकाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले हम डाल देंगे ढेर सारी धनिया की पत्ती, बारीक बारीक पहले कट कर लें। उसके बाद यहाँ पहले ढक करके हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। गैस को फिर से हम धीमे कर दें, अदरवाइज ये जल जाएगी। जब 4 से 5 मिनट हो जाए तो फिर से इसे हम चला लेते हैं। ऊपर से यहाँ पर डाल रही हूँ चाट मसाला। चाट मसाला डालती टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा आ जाएगा, बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। बस ये हमारे देखिए गोलियाँ तैयार हो गई, हम पेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे शेजवान सॉस लिया है मैंने और साथ में ले रही हूँ यहाँ पे हरी चटनी सर्व कर लिया और गोलियों को हम सर्व कर लेते हैं। तो
छोटी भूख के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छा। और ये एक अच्छी बात क्या, ये आप इसे गर्म में भी खा सकते हैं, ठंडे में भी ये इतना ही टेस्टी लगता है। तो आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी, मिनी इडली, जरूर शेयर कीजिएगा, अपने परिवार के साथ खाइए। थैंक यू सो मच, न्यू है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।